Assalamu alaikum. Today we are going to start on opinion, namely growing challenge by Javed Hussain. Growing challenge ke bare mein aaj hum padhenge. Growing challenge yani ke ubharta hua ye jo challenge hai wo badhta ja raha hai. Ab ye growing challenge kya hai? Yani ke US ke liye ye challenge hai kyunki jo China hai wo bahut hi tezi ke saath jo hai wo emerge ho raha hai. Theek hai? Aur ek joint ki tarah jo hai wo badhta ja raha hai in the arena of global politics. Theek hai ji? To hum isko start karte hain. Isme aapko relationship dekhne ko milega US aur China kis tarike se jo hai wo aapas mein protagonist bane hue hain. To आज हम इसको स्टार्ट करते हैं. अ न्यू कोल्ड वॉर इज ऑन विद द यूएस एंड चाइना एज द प्रोटागोनिस्ट. प्रोटागोनिस्ट होते हैं हीरो, ठीक है? बेसिकली हीरो को कहा जाता है, यानी कि मेन जो लीड होते हैं, जो लीड रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो इसमें जो न्यू कोल्ड वॉर है, इसमें यूएस और चाइना प्रोटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं. द सीड्स वर सोन बाय द यूएस डिटर्मिनेशन. अब ये बीज कब बोए गए थे, आपको हिस्ट्री सुनाई जाएगी. द सीड्स वर सोन बाय द यूएस डिटर्मिनेशन टू मेंटेन इट्स ग्लोबल हेजमनी, ग्लोबल हेजमनी इन द aftermath of the disintegration of the Soviet Union and the challenge posed to the US domination by China's drastic rise. ठीक है, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि ये बीज खुद यूएस नहीं बोया था, क्योंकि aftermath होता है उसके बाद. किसके बाद? डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन टूटने के बाद, बिखरने के बाद. सोवियत यूनियन जब बिखर गई थी तो उसके बाद उभर कर सामने आया यूएस से. ठीक है, यूएसए ने अपनी डोमिनेशन कायम की दुनिया में. ठीक है, तो ये बीज उसी ने बोया था, डोमिनेशन वाला. ठीक है, और अब क्या है? अब चाइना का जो ड्रास्टिक राइज है, जो अचानक से चाइना उभर कर सामने आया है, जो उसकी डोमिनेशन नजर आ रही है, तो वो जो है वो यूएस की डोमिनेशन के लिए एक चैलेंज बन गया है. ठीक है, इन 1992 द यूएस थ्रू अ लीक्ड पेंटागन प्लानिंग डॉक्यूमेंट स्ट्रेस दैट इट्स ओवर आर्चिंग स्ट्रेटेजिक गोल इज टू प्रिवेंट द री इमर्जिंग. अब ये जो 1992 की जो पेंटागन लीक की हुई है, ठीक है, उस प्लानिंग डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि जो यूएस का गोल था वो यही था कि प्रिवेंट किया जाए, यानी रोका जाए री इमर्जेंस, यानी कि दोबारा से किसी भी नए राइवल को इस दुनिया में उभरने से रोका जाए. दैट पोजेस अ थ्रेट ऑन द ऑर्डर ऑफ दैट पोज फॉर्मली बाय द यू US, जैसा कि पहले जो है वो सोवियत यूनियन एक थ्रेट बनकर यूएस के लिए उभरा था. अवर स्ट्रेटजी मस्ट नाउ रीफोकस ऑन प्रीक्लूडिंग द इमर्जेंस. प्रीक्लूडिंग भी होता है रोकना, ठीक है, द इमर्जेंस ऑफ एनी पोटेंशियल फ्यूचर ग्लोबल कंपेटिटर. अवर स्ट्रेटजी से मुराद यहाँ पर यूएस की स्ट्रेटजी की बात हो रही है, कि यूएस की स्ट्रेटजी भी यही थी कि वो दोबारा से रीफोकस करें किसी भी जो है वो ग्लोबल कंपेटिटर को, फ्यूचर ग्लोबल कंपेटिटर को उभरने ना दें, उसको उसकी इमर्जेंस ना होने दें इस दुनिया में. ठीक है, ये इनकी स्ट्रेटेजी थी. किसकी? यूएस की. हाउएवर चाइनास मेटियोरिक राइज. मेटियोरिक राइज कौन सा होता है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है, उभरना. तो जो चाइना का राइज हुआ है, बहुत तेजी से उभरा है चाइना, इन ड्यू कोर्स अपसेट अमेरिकाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और चाइना जो यूएस की, अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, उसको उसने धक्का दे दिया है. ठीक है, तो फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड इंट्रोड्यूस बाय डेंग ज़ियाओपिंग, चाइनाज इकोनॉमी टुक ऑफ. ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज रिफॉर्म की, तो हम देखते क्या हैं कि जो ज़ियाओपिंग है, जो उसने चाइना की इकोनॉमी को ऊपर लेकर गया है. ठीक है, फ्रॉम 1978 टू 2011 तक हमें इसमें चाइना की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. चाइना मेंटेन एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नियरली 10%. ठीक है, अब जो उसका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है? 10% है चाइना का. डबलिंग इट्स जीडीपी आफ्टर एवरी 7 ईयर्स, और हर 7 साल के बाद उसकी जीडीपी जो है वो डबल हो रही है. बाय 2014 चाइनाज जीडीपी इज परचेजिंग पावर पैरिटी. पैरिटी होती है इक्वेलिटी. ठीक है, पावर पैरिटी टर्म्स हैड सरपास दैट ऑफ द यूएस. ठीक है, और 2014 में जो चाइना की जीडीपी थी परचेजिंग पावर वाली, उसमें इक्वेलिटी आ गई है और सरपास भी कर गई है यूएस से. China's rapid economic growth has also provided it with the resources to build up its military power at a fast pace. और definitely अब उसकी बाकी पावर बढ़ गई है, economic growth हो गई है, तो वो अपने resources पूरे के पूरे लगा रहा है अपनी military power की तरफ, तो उसकी military भी build up होती जा रही है. China's fast developing economic and trade links worldwide have enabled it to increase its economic and political clout in Asia. अब जो China है, उसकी fast developing देखने को मिल रही है, economic links पैदा कर रहा है, worldwide पैदा कर रहा है. ठीक है, फैलता जा रहा है दुनिया तक. ठीक है, इंक्रीज कर रहा है इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लाउड का है एशिया में भी. द पर्शियन गल्फ रीजन में हम देख सकते हैं, ठीक है, साउथ एशिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं. अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में भी नजर आता है. द कंसिलिएशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया ब्रोकर्ड बाय चाइना इज द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इट्स ग्रोइंग डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स इन द पर्शियन गल्फ रीजन. अब
उसने जो है वो पर्शियन गल्फ रीजन के अंदर उसका प्रॉपर जो है वो एक अचीवमेंट नजर आ रही है। जैसे आपको पता ही है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में जो है वो जो 9 ईयर वॉर जो चल रही थी, जिन जो यमन में हो रही थी, जो प्रॉक्सी खेल रहे थे, तो उसको जो है वो ब्रोक किया है किसने, चाइना ने। उसमें उनमें डिप्लोमेटिक जो है अपना रोल प्ले किया है और उनके दरमियान अमन कायम करवाया है, तो वो भी उसका जो है एक बड़ी अचीवमेंट नजर आती है जो कि पर्शियन गल्फ रीजन में है। बीजिंग्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च इन 2013 एम्स एट एनहेंसिंग चाइनाज इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लिंक्स विद यूरेशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और जो बीजिंग ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ब्री अपना चलाया हुआ है, जो कि 2013 में शुरू हुआ था, ठीक है, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो उसने अपने इकोनॉमिक कमर्शियल लिंक बनाए हुए हैं यूरेशियन से, अफ्रीकन कंट्रीज से, पाकिस्तान भी जिसमें इंक्लूड है, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान उसमें शामिल है, ठीक है। अमेरिका इन द फेस ऑफ द चैलेंज पोस्ड बाय अ रैपिडली राइजिंग चाइना, ठीक है। अब चाइना अमेरिका के लिए एक तेजी से उभरता हुआ जो चैलेंज है वो कौन सा है, चाइना है, ठीक है। हैज एम्प्लॉयड ऑल लिवर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर एट इट्स डिस्पोजल टू स्लो डाउन चाइनाज प्रोग्रेस। अब यूएस जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, तमाम पावर लगा रहा है, हार्ड एंड सॉफ्ट तमाम तरह से, कि किस तरीके से चाइना की प्रोग्रेस को स्लो डाउन किया जाए, एंड चेक द एक्सपेंशन ऑफ इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस। और उसकी एक्सपेंशन, जो पावर की एक्सपेंशन और उसका इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है ना दुनिया पे, उस पर किस तरह से चेक लगाए, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और खसूसी तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में, इन अ मेजर डिपार्चर फ्रॉम इट्स स्लोगन्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। अगर हम इसके जो है स्लोगन को देखें, ट्रेड और इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन दे रहा है ना यूएस को, वॉशिंगटन हैज इम्पोज्ड फॉर रीचिंग इकोनॉमिक कमर्शियल एंड टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस टू स्लो डाउन चाइनास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो वो यही सोच रहा है, यूएस कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो इम्पोज करे जो है वो फॉर रीचिंग, जो कि ज्यादा दूर तक इकोनॉमिक कमर्शियल टेक्नोलॉजिकल हर तरह से वो सैंक्शन लगा सके चाइना की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है। इट हैज बीफ्ड अप इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड एनसर्कल चाइना थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ अलायंसेस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सच कंट्रीज एज साउथ कोरिया, जापान एंड फिलिपाइन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन परस्यूएंस ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अब यूएस जो है इन तमाम कंट्रीज को साथ लेते हुए, साउथ कोरिया, जापान, फिलिपाइन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कोशिश कर रहा है परस्यू करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें वो कंटेनमेंट करे चाइना को, ठीक है, यानी कि चाइना को किस तरीके से उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोके, ठीक है। इट हैज रिवाइव्ड और पुट इन प्लेस न्यू स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट सच एज क्वाड एंड ऑकस फॉर द सेम पर्पस। और इसने ये क्वाड और ऑकस जो हैं वो सेम पर्पस के लिए ही तश्कील दिए हैं। वॉशिंगटन इज ऑल्सो सीन एज परस्यूइंग पॉलिसीज टू डिस्टेबलाइज चाइना इंटरनली। तो वो यही परस्यू करना चाह रहा है, इन पॉलिसीज को परस्यू करना चाह रहा है कि वो डिस्टेबलाइज करे चाइना को इंटरनली, स्पेशली किस जगह पर, इन जिंगजियांग, तिब्बत और हांगकांग में, ठीक है। द यूएस इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू स्लो डाउन चाइनास प्रोग्रेस। तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है यूएस जो है वो चाइना की प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने के लिए। चाइना एंड द यूएस आर कॉट इन थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। अब चाइना और यूएस थ्यूसिडाइड ट्रैप में फंस चुके हैं, ठीक है। अब थ्यूसिडाइड्स ट्रैप क्या है, ये एक्चुअली में थ्यूसिडाइड जो है वो रियलिस्ट है, ठीक है, रियलिस्ट रहा है, और रियलिस्ट ट्रैप इस तरह से हुआ कि वॉर, रियलिज्म क्या कहती है, वॉर की बात करती है, तो अब ये वॉर यानी उस ट्रैप में फंस चुके हैं चाइना और यूएस, ठीक है। पॉपुलराइज बाय ग्राहम एलिसन थ्रू हिज बुक, जिसने जो है ग्राहम एलिसन ने इस हवाले से बताया है अपनी किताब में डिस्टाइंड फॉर वॉर में, इन विच एन इमर्जिंग पावर चैलेंज डोमिनेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग हेजमन मेकिंग द वॉर बिटवीन दैम, ठीक है। इसमें वही बात हो रही है कि जो दो उभरती हुई पावर्स हो रही होती है ना, नजर आती है इस बुक के अकॉर्डिंग, वो बता रहे हैं, ठीक है, तो दो उभरती हुई पावर में वॉर जो है वो नागुजीर नजर आती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस पड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एक वॉर जो है वो इनएविटेबल हो जाती है। अमेरिका इंसिस्ट दैट चाइना मस्ट फॉल इन लाइन विद द रूल्स बेस्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश बाय द यूएस लेड वेस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू परपेचुएट इट्स ग्लोबल डोमिनेशन, ठीक है। अब यही है कि चाइना, अमेरिका जो है वो इंसिस्ट यही करना चाह रहा है कि चाइना जो है वो फॉल कर जाए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, जिस तरह से उसकी वर्ल्ड वॉर टू के बाद से एक डोमिनेशन थी ग्लोबल, वो उसके पास आ जाए। चाइना वॉन्ट्स द प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर टू बी मॉडिफाइड टू अकोमोडेट इट्स लेजिटिमेट इंटरेस्ट। अब लेकिन जो चाइना है वो चाह रहा है कि वो प्रिवेल करे, गालिब आ जाए दुनिया के ऑर्डर पे, ठीक है, और मॉडिफाई करे अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को।
ठीक है, गोइंग बाय अमेरिकाज एंटी चाइना पॉलिसीज ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स से, जो पिछले पास्ट फ्यू ईयर्स से जो अमेरिका की चाइना एंटी चाइना पॉलिसीज चल रही हैं, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कन्फ्रंटेशन, तो ये एक पीरियड जो है वो तसादुम का, कन्फ्रंटेशन तसादुम का पीरियड प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, रादर देन कंसिलिएशन इज मोर लाइकली, इससे ज्यादा इसके बजाय कि कंसिलिएशन हो, ठीक है. दिस कन्फ्रंटेशन कैन मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन टेंशन, पोलिटिकल स्ट्राइफ एंड लोकलाइज प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट ऑन सच इशू एज ताइवान एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन द साउथ चाइना एंड ईस्ट चाइना सी. अब साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में जो हमें देखने को मिल रहे हैं डिस्प्यूट्स, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कम किया जाए चाइना का. प्रिडिक्टेबली चाइना हैज टाइटल्ड इन फेवर ऑफ रशिया ऑन द यूक्रेन वॉर इशू, ठीक है. और प्रिडिक्ट भी ये किया जा रहा है कि रशिया, चाइना जो है यूक्रेन वॉर इशू में रशिया की तरफ ज्यादा है, डिस्पाइट इट्स पेनफुल इम्प्लीकेशंस देयर मे आल्सो बी सम डीकपलिंग ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द टू साइड्स बिकॉज ऑफ द हार्ड अमेरिकन सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना. तो अमेरिका यही है कि चाइना के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए और डीकपल करे किस किस को, चाइना को और रशिया को. हाउ एवर अ फुल फ्लेज्ड वॉर बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म्ड यूएस एंड चाइना कैन बी सेफली रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज. तो ताहम क्या है, हमें देखने को मिल रहा है कि एक फुल फ्लैज जो है वो वॉर चल रही है यूएस एंड चाइना, न्यू एक कोल्ड वॉर का इरा ये फैल चुका है जो डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ सकता है. द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर इज इन सर्च ऑफ अ न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है. जो नई कोल्ड वॉर चल रही है वो एक नया इक्विलिब्रियम लेकर आएगी, बैलेंस ऑफ पावर लेकर आएगी. इट इज ग्रेजुअली स्लाइडिंग टूवर्ड्स अ हाईली इनहॉस्पिटेबल एनवायरमेंट मार्क्ड बाय द डोमिनेशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स ओवर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है. इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये एक इनहॉस्पिटेबल एनवायरमेंट जो है वो पड़ता जा रहा है, और मार्क क्या चीज हो रही है, डोमिनेशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स चलती जा रही है इंटरनेशनल लॉ से के ऊपर, ठीक है. डिमिनिश्ड अथॉरिटी ऑफ यूएन ओवर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इश्यूज, और डिमिनिश किसको कर, ये यूएन की भी स्ट्रेटेजीज को जो कि सिक्योरिटी इश्यूज पे काम करती है, एंड शिफ्टिंग अलायंसेज, और अलायंसेज को भी शिफ्ट कर रही है. द अल्टीमेट गारंटी ऑफ सिक्योरिटी इन सच अ डिसऑर्डरली वर्ल्ड वुड बी द पावर ऑफ स्टेट्स एंड देयर अलाइज. तो अल्टीमेट गारंटी ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि आप जो पावर्स हैं और उनके अलाइज, ठीक है, उनके दरमियान ये एक डिसऑर्डरली वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है. पाकिस्तान देयर फॉर मस्ट बिल्ड अप इट्स ओन नेशनल पावर विद अ स्पेशल फोकस ऑन पोलिटिकल स्टेबिलिटी. तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी फोकस, स्पेशल फोकस करे अपनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी पर, अपनी नेशनल पावर को एनहेंस करे, एंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक और पोलिटिकल स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाए वाइल डिवेलपिंग स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन. किसके साथ, डिवेलपिंग स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी रखे किसके साथ, विद चाइना, चाइना के साथ एंड अदर फ्रेंडली कंट्री टू एनहेंस इट्स सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ भी अपने टाइज जो हैं वो मजबूत करे, ठीक है. तो ये था इसका एनालिसिस. इसको आप एसे में, आईआर में, ठीक है, स्पेसिफिकली करंट अफेयर में, ठीक है, इन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं. तो अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.